हेलो दोस्तों, और ये क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ के बारे में। आज ही क्लास ट्वेल्थ के बारे में यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है टू। तो इसमें देखिए, इससे पहला क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में बताया है, ये हमारे पास बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है जो कि हर साल परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए, इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, यदि a इज इक्वल टू 20, 1 है, 2, 1, 3 है, 1 सबट्रैक्शन 1, 0 है, तो ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 i का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके मान के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर को निकालना है। तो यहाँ पे देखें, ए स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा ए स्क्वायर इक्वल टू, तो देखें ए स्क्वायर को हम ए डॉट ए लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, ए वाली जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है उसको दो बार आपको लिखना है। हमने लिखा 2 लिखा, फिर 0, 1, 2, 1, 3, फिर है 1 सबट्रैक्शन 1, 0। फिर अगले स्टेप पे भी हमको यही लिखना है, यानी इस वाले ए की जगह पे 2 0 1, फिर 2 है, 1 है, 3 है, फिर 1 सबट्रैक्शन 1, 0, ये हमारे पास नहीं था। अब यहाँ पे देखिए, डॉट डॉट का मतलब है इसकी मल्टीप्लाई करना। तो इसकी मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे वो आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए, इसमें हमारा जो भी सिस्टम मल्टीप्लाई का चलता है वो रो के कॉलम के साथ में चलता है। तो रो की हमको कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करना है, कहने का मतलब यानी भेड़े वाले स्टेपों की कड़े वाले स्टेपों के साथ गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम 2 से 2 की गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, फिर 0 से 2 की गुणा करेंगे तो 0 आएगा, फिर 1 से हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसी मेथड से हम चलना है अभी वाले स्टेप में, तो इसमें भी हम इसकी गुणा करेंगे तो ये 0 आएगा, 0 से 1 में करेंगे तो ये 0 आएगा, फिर 1 से -1 में करेंगे तो माइनस का 1 होगा। फिर अगले स्टेप में 2 से 1 की गुणा करेंगे 2 होगा, फिर 0 से 3 की गुणा वो भी 0 हो गई, फिर 1 से 0 की गुणा वो भी 0 हो गई हमारे पास। इसी मेथड से हम क्या करेंगे, अगले वाले स्टेप में हमको मल्टीप्लाई करना है। अब इस वाली लाइन से चलेंगे हम तो 2 दूनी 4 होता है हमारे पास, फिर 1 से 2 में गुणा करना है तो हमारे पास 2 होता है, फिर 3 से 1 में करेंगे तो 3 का 3, फिर अगले स्टेप में करना है तो ये 0 आएगा, फिर 1 1 1 होता है, फिर 3 से -1 के साथ करेंगे तो 3 आएगा, फिर 2 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 1 से 3 की करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से 0 की करेंगे तो 0 आएगा। फिर अगले वाले स्टेप से चलते हैं, ये वाली थर्ड वाली लाइन से करेंगे तो 1 से 2 की मल्टीप्लाई 2 होगी, फिर -1 से 2 की गुणा करेंगे माइनस का 2 होगा, फिर 0 से फिर 1 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, फिर 1 से करना है 0 के साथ में तो 0 होगा, फिर 1 से माइनस प्लस 1 के साथ करेंगे तो ये माइनस का 1 है, फिर 0 से इसमें करेंगे तो हमारे पास ये 0 आएगा। फिर अगले स्टेप में करेंगे 1 से 1 की गुणा 1 होगी, फिर -1 से 3 की गुणा करेंगे माइनस का 3 होगा, 0 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा हमारे पास। अब क्या करते हैं हम, देखें इसमें जो भी स्टेप जुड़ता है उसको जोड़ेंगे और जो भी घटता है उसको घटाएंगे हम। तो इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे हमें लिखा है इसमें 4 में 1 जोड़ा हमारे पास तो 5 हो गया, यहाँ पे देखिए माइनस का 1 बचता है हमारे पास, फिर इसमें हमारे पास 2 बचता है यहाँ पे, फिर इसमें देखें 3 तो 5 और 5 4 9 होता है, हमें लिख लिया 9। फिर यहाँ आ जाए तो देखें 3 में से 1 घटता है हमारे पास, माइनस का 2 बचा, फिर यहाँ पे 3 तो 5 हो गया हमारे पास। फिर अगला स्टेप है, देखिए 2 में से 2 घट रहा है, 0 बचा, फिर यहाँ पे देखिए माइनस का 1 बचता है हमारे पास, यहाँ पे भी घट गया हमारे पास माइनस का 2 बचता है। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू निकल के आती है। अब हमको क्या करना है, यानी कि 5a की वैल्यू हमको चाहिए, फिर 5a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे वो तो हम समीकरण में ही उसको सोल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, हमने लिखा ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i, ये लिख लिया हमने इसको टू। अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको लिखते हैं हम यहाँ पे, 5 लिखा माइनस का 1 है, फिर 2 है, फिर 9 है हमारे पास माइनस का 2 है, फिर 5 है, फिर 0 है, माइनस का 1 है और माइनस का 2 है, ये लिख लिया हमने। अब फिर माइनस है, चिन्ह माइनस का लगा दिया, 5 है लिखा हुआ, अब ए है हमारे पास तो ए की वैल्यू ये है हमारे पास, उसको लिखना है, 2 लिखा हमने, फिर 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 1 लिखा माइनस का 1, फिर 0 लिखा हमने। फिर अगला स्टेप है हमारे पास, क्या करेंगे हम यहाँ पे, प्लस सिक्स आई। अभी देखें आई है, आई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होती है, 0 0, और फिर यहाँ पे 0 1 0 होती है, फिर 0 0 1 होती है, ये हमारे पास आई की वैल्यू होती है। अब इसका सोल्यूशन हमको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो देखिए आगे इसका सोल्यूशन करते हैं हम यहाँ पे, ये वाला अभी हमारा जैसा है वैसा ही लिखते हैं हम यहाँ पे।
अगले वाले स्टेप में यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें 6 ही करना है। हमने लिखा है यहाँ पे 5 लिखा, फिर माइनस का 1 है हमारे पास, फिर 2 दे रखा है, फिर 9 है, फिर सब्ट्रैक्शन 2 दे रखा है, फिर 5 दे रखा है, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन 2 है, फिर सब्ट्रैक्शन 1 है, फिर यहाँ पे 0 है हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए 5 से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए 5 से 2 की करेंगे तो 10 आएगा, फिर 0, फिर 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 3 जा 15 होता है, फिर 1 में करेंगे तो 5 आएगा, माइनस का 5 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा हमारे पास। फिर अगले स्टेप में इसमें क्या करना है हमको, देखिए 6 से इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, यानी कि एड का चिन्ह है हमारे पास लगा हुआ, तो 6 लिखा, 0 लिखा, 0 लिखा, फिर हमारे पास क्या है 0 है, फिर 6 लिखा हमने, फिर 0 लिखा, फिर 0 0 6 लिखा है यहाँ पे। अब क्या करना है इसमें, हमारे पास जो भी स्टेप यानी कि जोड़ता है उसको हम जोड़ेंगे और जो भी घटता है उसको हम घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप ऐड का है, तो उसको ऐड कर देते हैं हम। यहाँ पे देखिए 5 और 6 हमारे पास होता है 11, फिर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन 1 दे रखा है, वहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन 1 आएगा हमारे पास। फिर अगले स्टेप में चलते हैं, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 2 है, फिर वहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा। फिर अगले स्टेप में चलते हैं, 9 है, यहाँ पे 0 है, तो हमारे पास 9 आएगा। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन 2 दे रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है, तो ये वाला स्टेप हमारे पास घटता है, तो इसको देखिए हम घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 बचता है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो हमारे पास 5 आएगा। फिर यहाँ पे 0 दे रखा है, यहाँ 0 है, तो 0 आएगा। फिर माइनस का 1 है, यहाँ पे 0 है, तो माइनस का ही 1 होगा। फिर यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 दे रखा है, ये 6 है, तो घटता है स्टेप, तो यहाँ पे हमारे पास 4 बचता है। अगला वाला स्टेप कैसा है, सेम टू सेम वैसा ही लिख लेंगे हम, 10 लिखा, फिर 0 है, 5 लिखा हमने, फिर 10 लिखा, फिर 5 15, फिर 5 सब्ट्रैक्शन 5 लिखा, फिर 0 लिखा। अब देखिए ये वाला स्टेप जो है हमारे पास सब्ट्रैक्शन होता है, तो इसको सब्ट्रैक्शन करना है, तो देखिए 11 में से 10 है हमारे पास, जब सब्ट्रैक्शन होगा तो हमारे पास 1 बचता है, यहाँ पे देखिए माइनस का 1 है, ये भाई 0 है, तो यहाँ पे माइनस का ही 1 बचेगा हमारे पास। फिर अगला स्टेप है हमारे पास, देखिए यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 5, तो कम होगा माइनस का 3 बचता है यहाँ पे हमारे पास। फिर अगले स्टेप में आ जाए, यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 10, तो माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे। फिर हमारे पास यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है, इसमें भी माइनस का 1 बचता है यहाँ पे। फिर यहाँ 5 दे रखा है, यहाँ 15 दे रखा है, तो कम होगा यहाँ पे हमारे पास माइनस का 10 बचेगा। फिर अगले स्टेप में आते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस का 5 बचेगा। फिर अगले स्टेप में यहाँ पे माइनस का 1 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये घटेगा इसमें से, तो हमारे पास प्लस का 4 बचेगा। फिर अगला स्टेप में यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे 0 दे रखा है, तो हमारे पास ये 4 बचेगा यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू ये हमारे पास निकल के आती है। अगर मेरा मेथड समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।